नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मोदी सरकार ने दीपावली धमाका किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। मोदी का दीपावली धमाका है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को मिलने वाली है आर्थिक सहायता राशि। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा मोदी सरकार की ओर से, प्रदेश के सभी किसानों को मिलेगा अगले 2 माह तक फ्री राशन किस प्रकार मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने बहुत ही, जिसमें राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को एक अलग से सदस्य को 5 किलो गेहूं और अनाज देने की घोषणा की है। तो सभी किसानों को मिलने वाला है फ्री अनाज, इसमें किस प्रकार मिलेगा, कौन से किसानों को दिया जाएगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी योजना को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। टाइम टू टाइम पहुंचना जरूरी है क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती है किसानों की, उन सभी योजनाओं की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। अपना राशन कार्ड कैसे देखना है, अपने मोबाइल नंबर से अगर आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार आपको अपने राशन कार्ड की स्थिति जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहें। हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार अपना राशन कार्ड अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने इंटरव्यू में, जो पीएम मोदी ने घोषणा की है कि सभी किसानों का बिना राशन कार्ड भी पा सकते हैं फ्री में अनाज, ये केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी किसानों को दिया जाएगा राशन फ्री में। राशन लेने से पहले आपको इस इंटरव्यू के बारे में जो पीएम मोदी के द्वारा बताए गए हैं उसकी जानकारी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री राशन कार्ड किस किस को लाभ दिया जाएगा इसके बारे में पूरी चर्चा विस्तार से बताई है कि राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री राशन मिलेगा देश के सभी किसानों को, इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी किसानों को देने की घोषणा की है। तो ये राशन किस प्रकार मिलेगा इसके बारे में आगे इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो फ्री राशन कब तक मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देखिए, आपको पूरी अनुभव मिल जाएगा कि किस प्रकार आपको आवेदन करना होगा, कौन सी दुकान से कितना अनाज दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 5 किलो गेहूं अनाज फ्री देने की घोषणा की है। जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो आपको केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से वो जो अनाज राशि मिलती है वो 20 किलो तो मिलती है। इसके अलावा भी आपको 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो आपको 40 किलो गेहूं अनाज, जो चावल मिलता है, दाल मिलती है, वो आपको मिलने वाली है। तो मोदी सरकार ने दीपावली के एक शुभ अवसर पर एक घोषणा की है कि अब सभी किसानों को मिलेगा अगले 2 माह तक अनाज। इसके लिए आपको जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार जीवन यापन करते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो बीपीएल एवं अंत्योदय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन परिवार को सभी को चावल एवं गेहूं फ्री में दिया जाएगा। तो बड़ी घोषणा है देश के तमाम किसानों के लिए। उनकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसमें आपको कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी आपको लाइन में लगना होगा दोस्तों, क्योंकि राज्य सरकार, इसमें आपको मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि आज देश के 67 करोड़ गरीबों को राहत राशन कार्ड, वन नेशन और वन राशन कार्ड के जरिए आपको लाभ मिलने वाला है। तो आप अपना पहले, अगर ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप पहले जल्दी से अपना राशन कार्ड बना सकते हैं, और राशन कार्ड से आपको बैंक अकाउंट और अपने मोबाइल नंबर को भी लिंक कर लेना है, क्योंकि आधार कार्ड भी आपको लिंक करना जरूरी है, क्योंकि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है उनको अनेकों योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। अब आप इन, अगर राशन कार्ड को ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में बताते हैं। तो ये राशन किन किन को मिलेगा इनके बारे में आगे पूरी जानकारी जानते हैं। तो यह है राशन कौन ले सकता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई एवं जून में जो दिया जाने वाला राशन था उसको अक्टूबर एवं नवंबर माह में उसी राशन की दुकान से मिलेगा जहां आपने पहले राशन लिया था। अगर आपके परिवार में 4 लोगों का नाम दर्ज है राशन कार्ड में तो उनको 5-5 किलो यानी 20 किलो अनाज अलग से दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सरकार के द्वारा जारी
जारी किया गया कोई भी आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। पैन कार्ड भी आपका हो सकता है। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर अपने नजदीकी ई मित्र सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर है वहां से अपना जो राशन कार्ड है उसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। अगर आप परिवार के पास राशन कार्ड या जो श्रमिक कार्ड है तो आप हेल्थ कार्ड की सुरक्षा भी ले सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाएगा, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक की सरकार आपको फ्री में इलाज किया जाएगा, जिसमें विशेष जो जांच है वो 108 प्रकार की जो ओपी जांच होती है, तो आप किसी प्रकार की जांच का आपको चार्ज नहीं देना होगा, आपको फ्री में जो आपको हेल्थ की सुरक्षा है वो दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने राशन कार्ड नहीं बनवाया या श्रमिक कार्ड नहीं बनाया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप अपना राशन कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसमें हमने पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताई है, तो आप राशन कार्ड को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको राशन कार्ड या अन्य कोई केंद्र सरकार की योजना चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगले 2 माह तक अगर आपको राशन कार्ड, जो राशन कार्ड के जरिए जो अनाज मिलता है उसकी पूरी जानकारी चाहिए, तो आप कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर अपना लाभ लेना चाहते हैं जो फ्री में अनाज मिलता है, तो आपको ऑनलाइन अपना राशन कार्ड करवाना होगा। इसमें आपको किसी प्रकार की त्रुटि है या गलतियां हैं राशन कार्ड में, कोई नाम या आयु या कोई नया नाम जुड़ाना है या कोई पुराने नाम में करेक्शन करवाना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करें। पूरी जानकारी विस्तार से बताई गई है, वहां से आप बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।